हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। मैं हूँ ठीक, और क्या है आपके समाचार? आशा करता हूँ आप भी होंगे ठीक। जैसा कि आप लोग इस वीडियो के टाइटल को पढ़ के समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस विषय पर बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता था, इसकी वजह से मैं वीडियोज नहीं बनाया करता था। अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। अभी जो खान सर पर जो इंसिडेंट चल रहा है, जो हमारे बिहार के हैं, वो उन पर जो इंसिडेंट चल रहा है कि वो अमित सिंह हैं या खान सर हैं, मुस्लिम हैं या हिंदू है, नहीं पता किसी को, बट हम उस पर सवाल उठाएं ही क्यों? वो कोई भी हो इंसान, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है। आज के समय में वो पढ़ाता है अपना, और अपना जो भी पढ़ा रहा है, और उसके बाद गरीब बच्चों को, बच्चियों को पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद उसे आगे बढ़ा रहा है, और लोगों को, कुछ लोग उनको देखकर जलने लगे हैं। टीचर टीचर खराब भी होते हैं, लेकिन एक इंसान अच्छा होता है या एक बुरा, आप इंसान की बोली विचार या उसके पहनावे या उसके मतलब ह्यूमर से देख के आप पता लगा सकते हैं कि वो इंसान सच्चा है या झूठा है। मुझे नहीं पता, खान सर ने अभी रिसेंटली में 7 दिन पहले एक वीडियो डाला, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उनमें जैसे खान सर ने बताया, सारे क्वेश्चन का जवाब वो वीडियो में दे चुके हैं, और उन्होंने लास्ट में जो वर्ड बोला, वो अपने वर्ड को बोलते हुए रो दिए। यार टीचर है, टीचर अगर रो रहा है तो जो भी अगर इस ये में शामिल है, जो भी उनको गाली दे रहा है, मैं नहीं जानता, भगवान जाने, अल्लाह जाने, खुदा जाने, कि वो इंसान अगर सच्चा हुआ तो भाई मैं नहीं जानता, अगर झूठा हुआ क्या, लेकिन अगर वो सच्चा हुआ तो तब क्या करोगे आप लोग? वो इंसान इस मामले में पढ़ने नहीं चाह रहा, आप लोग उसे घसीट रहे हो। जो इंसान बिहार का नाम इतना रोशन कर रहा है, जिसके लेक्चर्स अमेरिका में चल रहे हैं, जो मतलब अमेरिका में लेक्चर देने जा रहा है, एक बिहार का मामूली आदमी, जो जिसका बोलता भी है तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ऐसा है, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आज बॉलीवुड में ऐसे ऐसे सितारे हैं जो मतलब उनकी टीचिंग स्किल्स को बहुत अच्छा मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। जिन बॉलीवुड स्टार्स को दुनिया फॉलो करती है, वो बॉलीवुड स्टार्स आज खान सर को फॉलो कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इसमें मतलब मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। मैं जब बच्चा था तो मैं अपने गांव में नहीं रहता था, मैं पहले रहता था बाहर, मतलब नेपाल में रहता था। तो नेपाल में रहता था तो वहाँ कुछ ये के कारण मुझे गांव आना पड़ा, सब परिवार गांव आए, गांव ही रहने लगे। तो मैं क्लास 5-6 में था, 6 में था, मुझे गांव में कोई टीचर नहीं मिलता था सही, जो पढ़ा सके। कुछ टीचर्स मिले, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे आज यहाँ तक लाए, वो मुझे 1.5 साल पढ़ाए। लेकिन जब मैं क्लास 6-7 में गया तो मुझे टीचर्स ही सही नहीं मिल रहे थे, तो मैं कोचिंग जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस टाइम में 6-7 में कोचिंग अगर जा रहा है लड़का तो कितना पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा आप भी जानते हो, और मुझे कोचिंग का ये पहले उतना ये नहीं था, मैं ट्यूशन ही पढ़ता था, मैं ट्यूशन का ये चाहता था। तो मेरे एक टीचर थे गांव में, वो बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि हाँ वो टीचर है, लेकिन वो इतने अच्छे टीचर है कि उनका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब वो मैथ्स के टीचर है और बहुत अच्छे टीचर है। मुझे उन्होंने 7 से 12 तक मैथ पढ़ाया। मतलब पहले तो 10th तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, फिर उसके बाद मैथ पढ़ाया। जब मैं क्लास 8-9 में गया तो घर पे मैं नहीं पढ़ रहा था, पापा बोले कि तुम मोतिहारी चले जाओ, मैं इस चंपारण का हूँ तो वहाँ मोतिहारी में ही अच्छी पढ़ाई होती है, तो मोतिहारी चले जाओ, पापा बोले। तो जाऊँ तो किसके साथ जाऊँ? तो सर थे, सर जाने वाले थे मोतिहारी, वो मैं उस बंदे का आज शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मुझे मोतिहारी ले गया, पढ़ा, खुद भी पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं मतलब अगर वो टीचर नहीं मिलता, ऐसा स्थिति था कि मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता, उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, आगे तक लेकर आया, लेकिन वो उस टाइम में पढ़ाया तो उस टाइम में ये नहीं सोचे कि ये आगे जाकर वो मुझे क्या देगा, वो
कुछ लालच से तो नहीं पढ़ा, वो उनका जो फी था वो फी लिए पढ़ा। लेकिन मुझे यहाँ तक, अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ तो उन्हीं का बदौलत है, नहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ चुका था। बहुत ही ऐसे मैं पढ़ाई छोड़ चुका था और छोड़ने वाला भी था। 11th में कुछ कंडीशंस ऐसे बन गए थे कि पढ़ाई छोड़ने वाला था, मेरे मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से मैं पढ़ाई छोड़ने वाला था। तो सर ने ही मुझे समझाया, मेरे पापा ने भी समझाया और सर ने समझाया। फिर मैंने उसके बाद साइंस लिया, साइंस में मैथ्स लिया, मैथ्स वही पढ़ाते थे और बहुत सही से पढ़ाते थे। तो मतलब वो आज जहाँ भी हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दिल से उनको ये कहना चाहता हूँ कि सर, अगर आप वहाँ मुझे नहीं पढ़ाए रहते 11th या 12th में मैथ, या 6th 7th से मेरे साथ नहीं रहते, तो मैं काश पढ़ता नहीं। तो वैसे ही सर खान सर की कहानी है, कोई टीचर है यार, आदमी का ह्यूमर से समझ में आ जाता है कि वो आदमी कैसा है। अब वो हिंदू हो या मुस्लिम, मुझे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खान सर के साथ हूँ। और आशा करता हूँ जो भी भाई इस वीडियोस को देख रहे हैं, कृपया आप भी उनका साथ दें, क्योंकि आज हमारा साथ अगर उनको नहीं मिलेगा तो हमें उनका साथ देना चाहिए। पहली बात तो ये है। और मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरी बात को सारे सुनेंगे ही। आपकी मर्ज़ी, आप दे ना दे, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो सच्चाई को साथ देता हूँ और सच्चाई को फॉलो भी करता हूँ। मैं तो उनके साथ हूँ। अब जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप उनके साथ हैं तो आप भी छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, फेसबुक पर डालें, इंस्टाग्राम पर डालें या यूट्यूब पर डालें और लिखें #SupportKhanSir। प्लीज़ इस वीडियोस को इतना वायरल करें ना, मेरी वीडियोस को वायरल ना करें, जो भी वीडियोस है सबको वायरल करें। और इंसिडेंट जो खान सर का हुआ था, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तो मेरे ख्याल से बहुत लोग जान रहे हैं खान सर के इंसिडेंट को, जो भी उनको जानता है वो इंसिडेंट को जानता है कि क्या हुआ था उनके साथ और कौन से बातों पर बवाल हुआ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अब देखो भाई, अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी किसी बंधु को मेरा वीडियोस बुरा भी लगेगा, किसी बंधु को अच्छा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई का साथ देना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई आप इस वीडियो को शेयर कर दे और अपने जितने भी दोस्त भाई हैं उनको शेयर करके ये बताए कि प्लीज़ खान सर का सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी गुरु का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप एक दिन गुरु बनिएगा, आप पर अगर ऐसा जुल का बकवास उठेगा तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो प्लीज़ गुरु को सपोर्ट करें और गुरु का आदर करें। धन्यवाद।